नमस्कार, स्वागत है आपका सैम शेरी फार्म यूट्यूब चैनल। ये हमारे यहाँ हमने कई पौधे बोए थे, ऐसे बेल भी बोई है। ये है जीवंती, इसे डोडी बोलते हैं, खरखुड़ी भी बोलते हैं। एक यहाँ बोई थी, ये रही नीचे, ये जीवंती है। ये उसके पत्ते देखो, तो इसको मुझे ये नीम के पेड़ पे चढ़ाना है, कोई डोरी जैसा कुछ बांध दूं तो ये ऊपर चला जाए। अभी तो ये तुलसी के पौधे में ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही है, पौधा पकड़ के। मैं कुछ करता हूँ ऐसा, सीधी ऊपर चली जाए। नीम की डाली ऊंची है हाइट पे, तो वहाँ तक वेल कैसे जाए, तो कुछ ऐसा करते हैं कि वो ऊपर चढ़ने में इसको सपोर्ट मिल जाए, बाद में तो नीम को पकड़ लेगी। इतनी पतली डोरी है फिर भी चल जाएगी, क्योंकि उसका वजन ज़्यादा नहीं होगा। बड़ी होगी तब वजन होगा, तब तो नीम को पकड़ लेगी। सभी बेल खुद पकड़ के ऊपर जाती है। ये लौकी है, उसमें ऐसे फिंगर जैसा आता है, वो पतली रेशा जैसा, वो पकड़ लेते हैं डाली को। ये खुद उसका जो वेल आगे बढ़ती है वो ही किसी को सपोर्ट लेके ऊपर चढ़ सकती है। ये वो बच्चे लंगर बनाते हैं काइट पकड़ने, ऐसा मैं बना रहा हूँ। ये नीम पे फंस जाए ना डाली में कहीं, तो मेरा काम हो जाए और मैं वेल को उसके उसका सपोर्ट दे सको। ये डोरी का डोरी पतली है लेकिन चलेगी। वहां पहुंचाना है और फंसाना है, वो खास है। कैसे भी करके एक दफा नीम पे पहुंच गया और फंस गया तभी काम चलेगा। छेड़ा पकड़ना पड़ेगा वरना चला जाएगा पूरा। लगा दू फंस गया, तो हो गया कंप्लीट फंस गया है, नॉट जैसा लग गया है। ये डोरी तो वजन झेल सकती है। पौधे के साथ ही बांध देता हूँ, डायरेक्ट उसी वेल को बांधूंगा ना तो कट सकती है, और वो भी लूज ही बांधना है, ज्यादा टाइट भी नहीं करना, खाली सपोर्ट इसलिए ये नीचे देना है, क्योंकि देखो ये कैसे आंटी पकड़ के गया है ऊपर, ये दिखती है ऐसे खुद पकड़ के चला जाता है। इसको पहले निकालना पड़ेगा, कहाँ कहाँ गया था, खुद पकड़ के ही जाता है। एक दफा डोरी लग गई ना तो वो पकड़ के ऊपर चला जाएगा। बहुत जगह पे पकड़ा है, नहीं इसको इजा नहीं, वो भी ऐसे लेना पड़ेगा वरना वो वहां रुक जाएगा।
अब आगे जाए। पहले इसको दोनों को एक साथ लपेट लूँ। अभी एक नीचे भी है लेकिन वो रुक गया है। वैसे गाय हमारी खुली रहती है चरने के लिए, तो इसका पैर भी लग सकता है। और नीचे है तो उसका पैर आ गया तो वो डाली मुड़ जा जाएगी। हमारी गाय गंगा, इसका जाने का नजदीक आ गया है। गंगा अब शायद 15 दिन में पहले 15 दिन में दिया। गोबिन का काम शुरू है, इसको दान शुरू है। ऐसी 6 गाय तो 2-2.5 महीने में 6 ब्याने वाली है बारी बारी। सबसे पहले गंगा ब्याएगी, बाकी की 5 को भी दान शुरू है। 5 को 1 टाइम देते हैं, गंगा को 2 टाइम देते हैं क्योंकि उसका नजदीक आने आता है। 1 महीने पहले 2 टाइम शुरू करते हैं, 2 महीने पहले 1 टाइम शुरू करते हैं, 1 महीना 1 टाइम, 1 महीना 2 टाइम लास्ट में। तो ये गंगा को 2 टाइम शुरू है डांस। खबरी रुकी हाँ जवाब दे रही है। गंगा के बाद ये है हमारी भूरी है, सरस्वती है, रिद्धि है, और ये राधा और कोयल, ये सब ब्यानी आली है बारी बारी। रिद्धि ये दोहन का काम शुरू है, वो श्यामा की बछड़ी काबरी को दूध, काबरी से दूध पी रही है। हाँ गोपी थोड़ा दूध निकाल के बाद में छोड़ देते हो बछड़ी। मैंने पहले बताया था ये हमारी ये मोरली ये हिट में आ रही है, ये 2 ही साल की हुई है। हाँ ले ले, तो इसकी भी एक बहन है छोटी, उससे भी ये रही स्वामी जो अभी दूध पी रही थी। स्वामी ये आई, स्वामी इधर आओ, स्वामी इधर आओ। ये आई सीधी वहां दूध पीने चली गई। ये दूध काबरी का पीती है, ये सुरभि का पीती है। हाँ हाँ तेरी बारी है गोपी, आ रहा है तेरा मेघनाथ। ये काबरी उसकी बच्ची नहीं है फिर भी दूध पीने देती है, ये सुरभि भी पीने देती है। तो इसको अलग अलग क्वालिटी मिले इसलिए इसको दूध पिला रहे हैं, काबरी का भी सुरभि का और उसकी माँ का, तीनों का दूध पी रही है।
याद आया, रुक, दूसरी जगह पे चला जाता है, देख क्या है। गोपी इधर भर, गोपी इधर आओ, गोपी बस बस रुक जा। मैं नस को उधर रख दे, चल भाई उधर चल, उससे जाना नहीं है उसको। सुरभि दूर रहे, क्यों ऐसा कर, सामने वहां दिख खलास होगा ना तो यहाँ आएगी। ये गोपी नहीं पीने देती क्योंकि अभी ये थोड़े दिन पहले ही जाई है, तो उसको उसके बच्चे से ज्यादा लगाव है इसलिए नहीं पीने देती। थोड़े दिन और चला जाएगा तो फिर पीने देगी। पहले थोड़े दिन तो हम पिलाते हैं, मैं खड़ा रहता हूँ तो गाय बोलती नहीं है, पीने देती है, लेकिन हर रोज तो नहीं खड़े रहते थे। एक महीना डेढ़ महीना चला जाएगा फिर पीने देगी, क्योंकि उसके बच्चे का लगाव उसको कम हो जाता है, पहले पहले थोड़ा ज्यादा होता है। स्वामी दूध भी बहुत जल्दी पी लेती है क्योंकि ये 2 महीने की हो गई। ये प्रदीप सिंह जी रावला के वहां से, उन्होंने भेजा है इसका डोज, जो गाय हमारी मालपुरा थी पूरे भाई के 10 मिनट तक पिए दीजिए काबरी का, भले इतनी स्पीड है फिर भी दूध भी है काबरी का 5 लीटर, तो ये पिएगी काबरी भी, इसको काटेगी भी, क्योंकि उसको ऐसा नहीं है उसकी बच्ची नहीं है, उसको काबरी को स्वामी से भी इतना प्यार हो गया है, बाहर भी घूमती है तो भी काबरी इसके पास जाके खड़ी रह जाती है स्वामी के पास, चलो दूध पी लो। ये दूध खाली होने को है, अभी उधर भागेगी गोपी की साइड, तो गोपी नहीं दूध पीने देगी, इसको पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि उसको तो ऐसा है कि सब सभी जगह से दूध पी लो जितना मिले उतना, स्वामी का पेट भरता ही नहीं है। 2 गाय पी लो, 2 गाय में से 2 द्वार चल ले लो, तो इसको सभी गाय को गाय से दूध पीना है, इसलिए वो सभी गाय के वहाँ ट्राई करेगी, यहाँ से भागेगी गोपी के पास, वहाँ से भागेगी सुरभि के पास, अभी देखना ये पूरा हो जाएगा तो भागेगी।